और अब सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का, जहां से सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी सुबोध, आज दुर्ग जिले में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी? छाया जी, बड़ी बात है, आगामी विधानसभा चुनाव और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रियाएं हैं, जो कोशिशें हैं, काफी तेज गति से चल रही हैं। इसमें एक बड़ी बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय जो समिति है, और उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र समिति के प्रदेश संयोजक के पद पर यहाँ के लोकसभा सांसद विजय बघेल को चुना है। एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे और भी ऐसे कद्दावर नेता हैं जो न केवल जिला स्तरीय बल्कि प्रदेश स्तरीय, अगर उन्हें नेता के रूप में देखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बड़ा कद है विजय बघेल का और अन्य नेताओं का, लेकिन उनके बीच से लोकसभा सांसद विजय बघेल को चुनना एक बड़ी बात है और दुर्ग जिले के लिए काफी एक शुभ माना जा रहा है इस चुनाव को, क्योंकि न केवल पाटन विधानसभा क्षेत्र जो कि भूपेश बघेल, सीएम भूपेश बघेल जी का क्षेत्र है, वह न केवल वहां से आते हैं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक रीति नीति से भली भांति परिचित हैं विजय बघेल जी। अब ऐसी स्थिति में जब लोकसभा सांसद को विजय बघेल को चुना जाता है, प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्र समिति का सदस्य बनाया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो एक बड़ा बड़ा मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र की पूरी सारी बातों को घोषणाओं में किस तरह से शामिल किया जाए, आवश्यकताओं को, समस्याओं के समाधान को किस तरीके से घोषणा पत्र में शामिल करके एक मजबूत घोषणा पत्र विधान न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव के स्तर पर भी उसे बनाया जाए, उसे निर्मित किया जाए, तो एक बड़ी बात हुई। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर कांग्रेस पार्टी की बात कही जाए तो यहाँ पर जिस तरह से टिकट के बंटवारे को लेकर काफी कशमकश की स्थिति बनी हुई है और लगातार हर चौथा व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का वह अपने आप को विधायक प्रत्याशी समझ रहा है, मान रहा है, और उसकी कोशिशें भी उसी प्रकार से तेज चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक उठा पटक की स्थिति भी दिखती है आने वाले समय में, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे विधानसभा स्तरीय चुनाव लड़ने के लिए उसे अपने विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में खड़े होने का मौका मिले और उसे बड़े नेताओं का आशीर्वाद भी मिले। तो ये जो कहा जा रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अगर राजनीति में चुनाव जीतना हो तो धैर्य, संयम और सबलता के साथ बड़ी ही छोटी छोटी कोशिशों को मजबूती प्रदान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिस इस रीति नीति पर भारतीय जनता पार्टी चलती दिखाई दे रही है। अब अगर बात करते हैं मौसम की, तो हालांकि कुछ दिनों की बारिश मान ली जाए या फिर खंड वर्षा मान लिया कहा जाए, तो इससे जो शिवनाथ नदी है वह उभाला भर चुका है मोगरा जलाशय से। कल ही की बात है कि 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, अब यदि लगातार बारिश इसी तरह से होती रहे तो उसके उसका कैचमेंट एरिया काफी बड़ा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले घंटे में और भी ज्यादा पानी छोड़ा जाए। इससे एक ये बात हुई है कि जो आपदा प्रबंधन समिति है, जो SDRF के जवान है, वो लगातार चौकसी में लगे हुए हैं और लोगों को आगाह किया जा चुका है कि किसी भी तरीके से कहीं भी शिवनाथ नदी के आसपास ना रहें, ना रुकें, किसी तरह का कोई सेल्फी ना लें और न ही मछुआरों को अभी मछली पकड़ने की इजाजत मिली है, क्योंकि पानी का बहाव तेज है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति डूबता है तो वह डूबकर बहुत दूर चला जाता है और ऐसे में तत्काल मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ जी, और एक बड़ी बात है, अगर दुर्ग पुलिस के बारे में बात करें तो बीती रात की ही बात है कि एक अवैध अहाता चकना सेंटर पर पद्मनापुर थाने की टीम ने कार्रवाई करके लाखों का सामान जब्त किया है और उस दबंग जो अवैध रूप से उस अहाते का संचालन कर रहा था उसे करारा जवाब भी मिला है, जिस तरीके से अपने राजनीतिक पहचान पहुंच का धौंस दिखा रहा था उस पूरी पुलिस टीम पर, पुलिस ने तत्काल उसे वहीं पर बतौर न केवल उसके सामानों की जब्ती की बल्कि उसे थाने में बैठाल कर भी काफी देर तक पूछ पड़ताल की। इसे साफ समझ में आता है कि राजनीतिक पार्टियों और हस्तियों के नाम का उपयोग करके जिस तरीके से लोग इस तरह से अवैध काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी सूचना या बड़ी क्या ऐसा कहा जा सकता है कि एक अगर कहा जाए कि और जो भी अन्य लोग हैं उनके लिए एक जी जी बिल्कुल सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद।